बिसमिल्ल रहीम नाजरीन हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शमशाद मागठ और आज की हमारी हिट स्टोरी नैब से मुतलक है जहाँ पर डिप्टी चेयरमैन नैब के खिलाफ एक बड़ा स्कैंडल जो है अंगड़ाइयाँ ले रहा है और उस स्कैंडल की वजह से कई और मसाइल पचीदा हो गए हैं डीजी लाहौर जो हैं उनके तबादले की बातें चल रही हैं उनको रोका भी जा रहा है कि उनको वहाँ से ताकत के जो दो मरक़ हैं उनमें भी इस बात पे तनाजा जा रही है और इसके अलावा वज़र अज़म के भी कुछ कान भरे गए हैं वज़ी अजम को कुछ बताया गया है कि डी जी लाहौर जो हैं वो किसके बंदे हैं तो ये सारी स्टोरीज़ जो हैं वो जो सारी कहानियाँ हैं ये आपके सामने रखूँगा ताकि आपको आगाही हो सके कि हमारे जो एहतसब करने वाले इदारे हैं इस वक्त क्या कर रहे हैं तो नाजरीन आप जानते होंगे कि हमारे चेयरमैन नैप जो है वो अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे और जबकि जो डी जी हैं जाहिर शाह उनकी मुदत मुलाजमत दिसंबर में खत्म हो रही है का ज़राए का कहना है के डी जी ज़ाहिर शाह जो हैं वो अपनी मुदत मुलाजमत में तोसी चाहते हैं और इस हवाले से ज़ाहिर शाह और डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर वज़ी अजम से मिले थे और उनके कानों में उन्होंने काफ़ी सरगोशियाँ की हैं और जो डी जी लाहौर हैं मेजर रिटायर्ड शहजाद साहब उनके हवाले से उन्होंने मुबैना तौर पर वजे अज़म को ये बताया कि वो मुस्लिम लीग नून के बंदे हैं चूँकि कहा यह जा रहा है कि उनकी ये ड्यूटी लगाई गई थी मेजर रिटायर्ड शहजाद की जो डी जी नैब लाहौर हैं कि वो शबाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करें लेकिन उनकी तरफ़ से ये कहा गया था चूँकि कमज़ोर शवाहद होने की वजह से अदालतों से इन्हें रिलीफ मिल जाता है और जब रिलीफ मिलता है तो नैब की बदनामी होती है इसलिए उन्होंने शबाज़ शरीफ को गिरफ़्तार नहीं किया जिसके बाद बताया जा रहा है कि ज़ाहिर शाह और डिप्टी चेयरमैन नैब जो हैं उन्होंने काफ़ी वज़ी अज़म को इस हवाले से भड़काया है कि मेजर रिटायर्ड शहजाद जो हैं वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं कर रहे लिहाजा उनको वहाँ से तब्दील करके कोयटा भेज दिया जाए और उनकी जगह पर ज़ाहिर शाह को लगा दिया जाए ताकि जो वजीर अजम चाहते हैं जिस तरह का एहतसाब चाहते हैं उस तरह का एहत शुरू कर दिया जाए तमाम इस हवाले से अभी सारी खिचड़ी बन रही है लेकिन उससे बड़ी ख़बर यह है कि डिप्टी चेयरमैन नैब जसैन असगर उनके हवाले से एक दरख्वा जो है वो डी जी नैब लाहौर जो है मेजर रिटायर शहजाद को मौसू हुई थी उस दरख्वास में ये कहा गया था कि वो जब पंजाब कांस्टेबलरी के हेड थे तो उन्होंने इस सरबराह के तौर पर इस इदारे के सरबराह के तौर पर तीस करोड़ रुपए का फ्राड किया और बोगस अदायगियाँ की गई बोगस लोगों को भर्ती किया गया और जो अदायगियाँ की गई उस पर हुसैन असगर के दस्तखत मौजूद हैं और ये भी बताया जा रहा है कि डी जी नैब लाहौर जो है मेजर रिटायर्ड शहजाद जो है उन्होंने वजीम से बात की थी कि मुझे इस मामले में प्रोव करने दिया जाए इन्वेस्टिगेशन की जाए और अगर ये सारी सूरतयाल सच हो तो फिर डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर के खिलाफ जो है कानून का शिकंजा जो है वो कस दिया जाए लेकिन वजीर अजम सेक्रट्रियट की तरफ से उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी गई और ये बात जब हुसैन असगर तक पहुँची तो हुसैन असगर और ज़ाहिर शाह चूँकि एक पेज पर पे हैं उन्होंने वजे अजम को जाके ब्रीफ़ किया कि ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं मेजर रिटायर्ड शहजाद जो हैं और वो मुस्लिम लीग नून के बंदे हैं इसलिए इनको वहाँ से हटा दिया जाए और एक इल्ज़ाम उन पर यह भी लगाया गया कि मेजर रिटायर्ड शहजाद ने जान बूझ कर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार नहीं किया इसलिए उनको वहाँ से हटा कर कोटा भेज दिया जाए और मतलूबा नतज के लिए मनपसंद नतयज के लिए ज़ाहिर शाह को रावलपिंडी में भेज दिया जाए तो तहम इस हवाले से अभी हतमी फैसला तो नहीं हुआ लेकिन वजीर अजम सेकट्रेट में ये खिचड़ी पक रही है कि इस पर अमल दरामद अब कैसे किया जाए और इस मामले को आगे बढ़ाया जाए लेकिन दूसरी तरफ ताकत का जो मरक़ है वो मेजर रिटायर्ड शहजाद को लाहौर में ही देखना चाहता है लिहाजा उनकी तरफ से कहा गया है कि उनको लाहौर में ही रखा जाए नाजरीन आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि ज़ाहिर शाह जो वो खैबर पख्तुनख्वा से तल्लक रखते हैं और बुनियादी तौर पर ये स्कूल मास्टर से और वहाँ से ये तरक्की करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और बाद सहाफियों की तरफ से ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि इनकी जो तकर्री नैब में हुई थी उसमें भी जो है वो मेरिट को नज़रअंदाज किया गया था और इनको डायरेक्ट डीजी की पोस्ट पे रख लिया गया था और फिर कुछ शिकायतें इनकी इस हवाले से भी थी कि ये नैब का जो एहत का निज़ाम है वो मेरिट पे देखने की बजाय ज़ाहिर शाह जो है वो पसंद ना पसंद की बना पे ये तमाम मामलों को आगे चलाते हैं और जो उनके ख़ास हल्का अहबाब की तरफ से होते हैं उनको ये कबल अज वक्त बता देते हैं कि उनके गिरफ्तारी के वारंट जो हैं वो जारी हो चुके हैं ये इस किस्म के इन पे पहले भी इल्जाम रहे हैं और फिर इन पर यह इल्ज़ाम भी रहा है कि जिसको ये चाहते हैं उसको बहुत ज़्यादा रगड़ा लगा देते हैं तो ये इल्जाम थे लेकिन ये दरख्वास जो है वो हमारे पास मौजूद है आप कैमरे पर देख भी रहे होंगे कि ये दरख्वास जो किसी शहरी की तरफ से नैब लाहौर को दी गई है जिसपे डी जी नैब लाहौर जो हैं मेजर रिटायर्ड जनाब शहजाज़ साहब जो तहकीकत करना चाहते थे लेकिन उनको तहक़ीक़ात नहीं करने दी गई बल्कि उनके तबादले की बातें हो रही हैं और शहबाज शरीफ का केस भी लाहौर से रावलपिंडी आता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि यहाँ पर एहतार के तमाम तकाज़े जो हैं, वो पूरे किए जा सकें तो ये सूरत हाल है नैब के अंदर चूंकि अक्तूबर में चेयरमैन नैब जो है वो अपना अहदा छोड़ देंगे और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हम आंगी ना होने की वजह से लगता ऐसा है के काफ़ी देर तक चेयरमैन नैब की तकर्री मुमकिन नहीं हो सकेगी और डिप्टी चेयरमैन नैब जो हैं इस वक्त हुसैन असगर उनको काफ़ी देर तक कैम काम चेयरमैन के तौर पर भी काम करने का मौका मिल सकता है इसलिए वो अपनी लॉबी को भरपूर तरीके से चूँकि वो इस्लाम आबाद में हैं वजे अजम सेकट्रेट में उनका अच्छा तलक़ है वो उसको बेहतरीन तरीके से मामले को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन अगर वज़ी अजम उन हुसैन अस्कर के खिलाफ मेजर रिटायर्ड शहजाद को तहकीक़ात का हुक्म देते हैं तो इससे पी टी आई हुकूमत की नेक़नामी होगी चूंकि वजी अजम का ये नारा रहा है कि बिला इम्तियाज एहतसब किया जाएगा लेकिन अभी कुछ पिछले अरसे से ये जो नारा था पी टी आई का वजीर अजम का कि बिला इम्तियाज़ एहत किया जाएगा वो वो थोड़ा सा दागदार होता दिखाई दिया है चूँकि ऐसा तसर अपोजीशन की तरफ से ए, भरपूर तरीके से उजागर किया गया है कि वजीर अजम अपना मनपसंद जो है वो एहतसाब चाहते हैं और अपने नापसंदीदा लोगों को जेल में भजवाने के ख़्वाशमंद दिखाई देते हैं तो नाजरीन वजीर अजम इमरान खान वैसे भी आजकल कल जारहना मूड में है लिहाजा उनकी ज़द में आने से बचना चाहिए और नैब में इस वक्त शदीद लाबिंग जारी है ताकि चेयरमैन नैब जब रिटायर्ड हों तो उनकी जगह कौन उसको संभाले और ज़ाहिर शाह जो हैं वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर दिखाएँ दिसंबर से पहले पहले कि वजी अजम उनकी मुदत मुलाजमत में तोसी कर दें ये पक्की खबर है मैं आपको बता रहा हूँ और लगता भी ऐसा है कि ज़ाहिर शाह किसी भी वक्त ऐसे ज़ाहिर हो सकते हैं के शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनकर वे कुछ ऐसा कर दिखा सकते हैं कि दिसंबर में उनकी मुद्दे मुलाजमत में तोसी हो सकती है और इस वक्त चूँकि उनके डेरे ज़्यादातर उनकी आनिया जानियाँ जो हैं वो ज़्यादातर वज़र अजम सकट्रिएट में हैं क्योंकि वहाँ पर मौजूद जो बासर लोग हैं उनको वो कायल कर चुके हुए हैं कि मेजर रिटायर्ड शहजाद जो हैं वो मतलूबा नतज देने के काबिल नहीं हैं और वह उनका जखौाव जो है वह मुस्लिम लीग नून की तरफ है हालाँकि इससे पहले मुस्लिम लीग नून जो है मेजर रिटायर्ड शहजाद पर यह इल्ज़ाम लगाती रही है कि उन्होंने नैब के कवानीन का गलत इस्तेमाल किया और उनकी गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं वो गलत हुई हैं लेकिन अब जो है आ, हुकूमत की तरफ से हुकूमत बल्कि नैब के चंद अफसरान की तरफ से उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और वज़ी अज़म के कान भरे गए हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ झुकाव रखते हैं तो नैब की सूरत हाल इस वक्त ये है कि वहाँ पर हर एक ने अपना अपना मोर्चा संभाला हुआ है अब देखते हैं कि लाहौर के, के मोर्चे पर मेजर रिटायर्ड शहजाद हैं कि क्या वो अपने मोर्चे का दफा कर पाते हैं तो इधर इस्लामाबाद में र शाह और असगर क्या अपने मोर्चे को बाफाजत जो है वो बचा पाएंगे और अगर वज़ी अजम ने किसी वजह से हुसैन असगर के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया तो ये एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा लेकिन इस पंडोरा बॉक्स से वज़िर अजम की बड़ी नक नामी होगी चूँकि उनका यह नारा है कि बिला इम्तियाज़ एहतसाब होगा लिहाजा आप देखते हैं कि वज़ी अजम क्या फ़ैसला करते हैं ऊँट किस करवट बैठता है लेकिन नैब में इस वक्त जो शदीद लड़ाई जारी है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है शमशाद मांगट को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़